हाँ जी पूछने वाला बच्चा बेहद का ही होगा तो बेहद की बात ही पूछता होगा। तो देखना चाहिए हमारी बुद्धि में जो संकल्पों का भोजन चलता है, उस भोजन में कितना हिस्सा ऐसा है जो समंदर के पेट में से निकलता है। बड़ी बड़ी मछलियां भी होती हैं, सील मछली, व्हेल मछली, शार्क मछली, भांति भांति की मछलियां होती हैं। समुद्र के पेट में पलने वाली वो मछलियां याद तो नहीं आती हैं, याद आती है तो जरूर पेट में मंथन चलता है। कौन से पेट में? बुद्ध रूपी पेट में। अब तराजू में तौल के देखना है कि कितना परसेंटेज समुद्र के पेट से आया हुआ माल बुद्धि में पच रहा है। राक्षस बना देगा या देवता बना देगा? राक्षस बना देगा। और कितना परसेंटेज वेजिटेरियन है जो धरणी से आता है? धरणी किसे कहा जाता है? जिसमें धारणा शक्ति जास्ती होती है। मुख्य धारणा कौन से गुण की है? सहनशीलता की। तो जरूर ऐसी माताओं के स्वभाव वाली धरणियां हैं जो बहुत सहन करने वाली हैं। हमको शुद्ध वेजिटेरियन माल देती हैं बुद्धि में पचाने का। और बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। है इनका कप पार्ट पूरा नहीं होता है, है? इनका कप पार्ट पूरा नहीं होता है, इनका कप पार्ट पूरा नहीं होता। पार्ट पूरा नहीं होता है? क्या आया? इनका पार्ट पूरा नहीं होता। किसका पार्ट पूरा नहीं होता है? आत्मा का पार्ट का पूरा नहीं होता है जो 84 जन्म लेने वाली है पूरे। चलता ही रहता है। हीरो पार्टदारी का पार्ट कब पूरा होता है? नहीं होता है। और हाँ जी और शास्त्र में आया कि लक्ष्मी अमृत बांटती है देवताओं को, दूध माला के बच्चे बाप से डायरेक्ट पढ़े ही पढ़ते हैं, तो क्या लक्ष्मी के द्वारा माता के बच्चों को भी पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी? की पढ़ाई तो पढ़नी पड़ती है। पढ़ाई का मूल तंत्र क्या है? वो प्योरिटी धारण की। धारण की? धारण तो नहीं की,
तो जिस बात की धारणा नहीं की है वो धारणा तो करनी पड़े, इसलिए बोला है दैवी गुण भी धारण करने पड़े। ये दैवी गुण धारण कराने के लिए दैवी गुण कहा जाता है, देवता गुण नहीं कहा जाता। तो धारण कराने वाली भी कौन होगी? देवी होगी। उसे देवी का आवाहन करना पड़े। अच्छे अच्छे स्टूडेंट आकर के ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तो ईश्वरीय पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट निकलेगा। चरित्रहीन बच्चे निकलेंगे तो पढ़ाई का अच्छा असर नहीं निकलेगा। ये तो पता है कि लक्ष्मी जो बांटती है वो कहां से आता है? नारायण से ही आता है। लक्ष्मी कोई अपने घर से थोड़ा ही लाती है। आवाहन तो करना है और आवाहन करने के साथ साथ लक्ष्मी को पढ़ाई पढ़नी भी है। अब पढ़ाई तो एक सेकंड की है, अपन को आत्मा समझ बाप को पहचान करके याद करना। बाप की पहचान हुई और पढ़ाई पूरी। कोई तो सारा जीवन नाक रगड़ते रहते हैं और बाप में संशय आता ही रहता है और लक्ष्मी को निश्चय धारण करने में कितना टाइम लगेगा? एक सेकंड लगेगा। बाबा कहते हैं कि मैं एक व्यापी हूँ और तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ। मैं एक व्यापी हूँ, तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ, एक व्यापी कैसे? एक व्यापी ऐसे कि भगवान एक होगा या अनेक होगा? तो जब एक रूप में भगवान होगा, अनेक रूप में तो भगवान नहीं होगा। तो जिस रूप में भगवान प्रत्यक्ष होता है, जो गॉड इज वन कहा जाता है, वो एक ही व्यापी हुआ। बाप के लिए बोला कि वो बाप एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं। ब्रह्मा तो अनेक हो सकते लेकिन बाप एक ही होगा। और कॉपर वेल में बुद्ध 250 वर्ष बाद आए, 250 वर्ष बाद आने के बाद उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ा है। मैं मात्र 250 वर्ष के अंदर इतनी हिंसा शुरू होती थी। 250 वर्ष के अंदर हिंसा इतनी बढ़ जाती है भारत में भक्ति के नाम पर कि मनुष्यों की भी बलि देने लग पड़ते हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। देवी देवताओं की पूजा तो थोड़ा लेट शुरू होती है। सबसे पहले तो शिव की पूजा शुरू होती है। क्यों? लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती है? शंकर पार्वती की पूजा नहीं होती है? उससे पहले ही 250 वर्ष तो बाद में महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के आने से पहले ही शिव की पूजा के साथ ही साथ
शंकर की भी पूजा शुरू हो जाती है। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग भी जुड़ा हुआ था और शंकर की मूर्ति भी रखी हुई थी। महमूद गजनी ने आकर के शिवलिंग को तोड़ दिया और मूर्ति का सर उड़ा करके उस मूर्ति को ले जा करके अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर डाल दिया उल्टा करके। जब मंदिर तोड़ा तब की बात है। लक्ष्मी नारायण को भी याद करना है, शिव बाबा किस में आता है? अरे शिव बाबा आता किस में है? नारायण में आता है या नहीं आता है? तो बात एक ही हुई। और शिव बाबा को याद करते हैं, सारा दिन याद करते हैं तो खुशी चढ़ती है या नहीं? वो खुशी देवताओं की खुशी से ज्यादा ऊंची खुशी है या नीचे स्तर की खुशी है? अभी तो याद का पारा ही कम है, आगे चल करके याद निरंतर हो जाएगी। तुझे निरंतर याद में रहने वाले हैं, उनको स्वर्ग की खुशी से भी ज्यादा खुशी होगी। तो चाहे स्वर्ग के याद करो, चाहे नारायण को याद करो, चाहे शिव बाबा को याद करो, बात एक ही है। भगवान का तुम्हारे चेहरे प्राण टाइप के बनते जाए और शरीर स्तर पे क्या है? तो ये पूर्ण समय की ये पूर्ण समय की बात बताइए। ये पूर्ण समय की बात बताइए। अंत समय का ही गायन है अति इंद्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। तो उस समय चेहरे भी ट्रांसलाइट के बनते जावेंगे, अव्यक्त स्टेज से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी, अव्यक्त स्टेज से ही बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी। ये अव्यक्त स्टेज ही ट्रांसलाइट के चेहरे बनावेगी। प्रश्न आया है, बाबा मुरली में कहते हैं शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको, तो बाबा ऐसा पार्ट बजाने की जरूरत ही क्या है? माने पूछने वाला जानता है कि क्या पार्ट है। अब जानता है तो बताए भी, तो फिर उसका जवाब दिया जाए कि क्या जरूरत है। है लक्ष्मी का प्योरिटी में अव्वल नंबर है, है लक्ष्मी का प्योरिटी में अव्वल नंबर है। अच्छा सरस्वती का समथिंग, सरस्वती का नंबर हो, सरस्वती का नंबर अगर अव्वल नंबर हो तो अव्वल नंबर में पूजा भी होनी चाहिए। सरस्वती जी को जगदम्बा के रूप में पूजा होती है, छोटा सा मंदिर बनाते हैं, छोटी सी मूर्ति बनाते हैं, तो जगत की अम्बा में ज्यादा प्योरिटी होगी, जिसकी गोद में सारे जगत के सब धर्म की आत्माएं खेल खेलती हैं बच्चे के रूप में। या लक्ष्मी में ज्यादा प्योरिटी होगी जो सिर्फ भारत में मान्यता प्राप्त है। भारत माता में ज्यादा प्योरिटी है या जगत माता में ज्यादा प्योरिटी है? क्यों?
क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। जब भगवान आते हैं तो भारत माता शिव शक्ति अवतार इसका ही गायन होता है। जगत माता शिव शक्ति अवतार ये गायन नहीं है। क्या गायन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार। प्योरिटी में ही शक्ति है। प्योरिटी नहीं है तो दूसरे धर्मों का कब्जा हो जाता है, फिर माताएं दुखी हो जाती हैं, बंधन में आ जाती हैं आसुरी बच्चों के। और आज घर घर में खास करके पति पत्नी के बीच झगड़े चरम सीमा तक पहुंच गए हैं, और वो भी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर। इसका बेहद में क्या अर्थ लिया जाए? अब जैसा बीज होगा वैसा ही तो सारा वृक्ष बनेगा है? कि दूसरे प्रकार का बन जाएगा? जो बीज रूप बाप है और बीज रूप बाप की जो धरणी जड़ है, उन दोनों के बीच में ही फ्रिक्शन पड़ा हुआ हो तो कोई पत्ता ऐसा बचेगा जिसके जीवन में पति पत्नी के रूप में फ्रिक्शन ना पड़े? बचेगा? नहीं बच सकता। इसलिए कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ गया देदान तो छूटे ग्रहण। अब किसको दान देंगे? सूर्य को दान दिया जाएगा या धरणी को दान दिया जाएगा? किसको दान दिया जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा का परछावा पृथ्वीवासियों पर पड़ता है तो कहा जाता है सूर्य ग्रहण पड़ा। इस बात की जिनकी सच्चाई बुद्धि में बैठ जाती है वो जानते हैं सूर्य पर तो ग्रहण पड़ता ही नहीं। चंद्रमा का परछावा पृथ्वीवासियों पर पड़ता है, वो पृथ्वी का वो हिस्सा अंधेरे में आ जाता है तो किसको दान देना है? अंधेरे में आना माने प्रभावित हो जाना। किससे प्रभावित हो गई धरणी? चंद्रमा से प्रभावित हो गई। तो जो धरणी चंद्रमा से प्रभावित है और बाप से दूर हो चुकी है, बाप के प्रभाव से परे हो चुकी है, उसको योग का दान की जरूरत है। उसको योगदान मिलेगा तो बुद्धि फिर जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। और बाबा जिन्होंने गीता पाठशाला खोल रखी है दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए,
वो भी ईश्वरीय पढ़ाई, और अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों कॉलेजों में डागली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो भी किशोर किशोरी कन्याओं को, तो क्या ये बात श्रीमत के अनुकूल है या श्रीमत के बरखिलाफ है? बताओ भाई, फैसला करो है? अरे हंसी में उड़ाई दिया, इसका मतलब हिम्मत नहीं है बोलने की है? अरे प्रश्न करने वाले ने खुद ही जवाब दे दिया। श्रीमत के अनुकूल है या विपरीत है? विपरीत है। बाबा रामदेव ने एक अभियान चला रखा है, भारत स्वाभिमान, ये कार्य शिव बाबा के डायरेक्शन से ही हो रहा है क्या? अरे बाबा रामदेव स्व क्या है ये जानते हैं? वो तो जानते ही नहीं। स्व माने आत्मा, और आत्मा का रूप क्या होता है, आत्मा का पार्ट क्या होता है, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, ये षष्ठी रूपी रंगमंच क्या है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। तो उनका जो अभियान है वो हद का अभियान है, सच्चा अभियान है, अर्थ सहित है या निरर्थक है? निरर्थक है। स्वाभिमान कहते हैं, परंतु स्वाभिमान का अर्थ क्या है ये जानते ही नहीं। और भारत का स्वाभिमान, उसका तो नाम ही है भारत, काहे में रत है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में जो सदैव लगा रहता है। ज्ञान भगवान से ही आता है, भगवान की ज्ञान की रोशनी में ही सदैव बुद्धि लगी रहती है, वो भारत है। उसका स्वाभिमान क्या है? उसका स्वाभिमान है स्वर्ग। भारत में तो अभी नरक बरत रहा है, नारकीय भारत का स्वाभिमान नहीं है। कौन से भारत का स्वाभिमान है? जो भारत को भगवान ने आकर के स्वर्ग बनाया था, वो अभिमान की बात है। अरे पूछा क्या है? अगर कोई भाई या माता हो, मधुबन में कोई बहन है, बाबा का संदेश बताती है, तो उन भाइयों या माताओं को गुस्सा करना चाहिए? अरे अगर बाबा के ऊपर निश्चय है तो बाबा के बताए हुए संदेश पर गुस्सा क्यों आवेगा? जो भी संदेश है अगर वो रंग लगता है तो कंफर्म कर सकते हैं कि बहनें जो संदेश सुनाती हैं
वो राइट संदेश है बाबा का ही है या मनुष्यों की मत या मन मत है, बाकी गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं। माताएं भट्टी करने के बाद 3 महीने हो गए क्लास में भी नहीं आती हैं और बाबा के आने की बात बताते हैं तो भी मोह माताएं गुस्सा करती है, इसका मतलब बहनों में परख शक्ति है या नहीं है। जो भट्टी करके आए हैं और भट्टी करने के बावजूद भी उन्हें बाबा से मिलने की ललक नहीं है तो बाबा के बच्चे बने हैं या नहीं बने हैं? है? नहीं बने हैं, उन्हें बुलाने की भी दरकार नहीं। बाबा श्री पीतमपुर की आत्माएं कोई भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मत चलाते हैं। क्या अपनी मत चलाते हैं सो तो बताया ही नहीं, तो फिर एक्शन कैसे लिया जाए? जैन धर्म के एक मुनि ने कहा कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार जितना 2500 वर्षों में नहीं हुआ है उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों ने अपने धर्म का विस्तार मात्र 25 से 50 वर्षों में कर लिया। इसका क्या कारण है? उस मुनि को यह पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कुमारियों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया है या भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। काय का प्रचार प्रसार किया है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है या दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा है? और धर्मों का प्रचार प्रसार फाउंडेशन पड़ा है। देवी देवता सनातन धर्म के धर्म स्थापक का उनको पता भी नहीं है, न धर्म स्थापक का पता है और न धर्म स्थापना में कितना टाइम लगना है ये भी नहीं पता है। बाकी जैन धर्म ने भी 2500 वर्ष में जिनके फॉलोअर्स जैन कहे जाते हैं, जिन इंद्रियों को जीतने वाले का नाम है तो फॉलोअर्स भी इंद्रियों को जीतने वाले होने चाहिए। वो जैन धर्म के फॉलोअर्स इंद्रियों को जीतने वाले बने हैं क्या? अगर नहीं बने हैं तो जैन धर्म का प्रचार कैसे कहा जाए? वास्तव में जैन धर्म की भी मान्यता है कि 6 आरे होते हैं चक्र में, जो पहले 3 आरे हैं उन 3 आरों में 24 तीर्थंकर हुए संसार में, जो भगवान के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, तो उन 3 आरों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ या इन अंतिम 3 आरों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कहें?
ये तो भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार है, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति का प्रचार हो रहा है जैन धर्म के नाम पर। असली जैन धर्म का प्रचार प्रसार तो स्वयं भगवान करता है, जो अभी गुप्त रूप में हो रहा है। चंद्रमा सूर्य से कब तक दूर रहेगा? क्या चंद्रमा कभी सूर्य के नजदीक भी पहुंच जाता है? है? तो प्रश्न क्या होना चाहिए? हाँ, चंद्रमा पृथ्वी से कब तक दूर रहेगा? तब तक दूर रहेगा जब तक सारी पृथ्वी पर घनघोर महाविनाश की आवृत्ति नहीं हो जाती। संपूर्ण परिवर्तन होगा प्रकृति के 5 तत्वों में, तब चंद्रमा आकर पृथ्वी से मिल जाएगा। बाकी सूर्य से तो न पृथ्वी मिलती है और न चंद्रमा मिलता है। रामायण में गीत है, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये अंकित का बेहद में अर्थ क्या है? अच्छा, राम नाम का बेहद में अर्थ क्या है? तब अंकित का अर्थ समझ में आएगा। राम का अर्थ वास्तविक क्या है? राम अर्थात योगियों के अंदर रमण करने वाला राम, जो सदैव योगियों के मन में रमण करता रहता है। उसे राम कहा जाता है। और उस राम का नाम से क्या कनेक्शन है? भक्ति मार्ग में नाम का गायन क्यों है? नाम का कनेक्शन काम से है। राम ने ऐसा क्या काम किया जो सारी दुनिया के योगी जन उसमें रमण करते हैं? योगियों की मनबुद्धि उसमें रमण करती है, खेल खेलती है, आनंद मनाती है। याद करने से ही आनंद आ जाता है, स्मृति मात्र से ही आनंद आ जाता है। वो स्मृति का बुद्ध रूपी धरणी में अंकन हो जाता है, अंकित हो जाती है। राम के उन कार्यों का बुद्धि में छाप लग जाती है, उसी को अंकित कहा गया। मुरली सुनते समय ध्यान अकस्मात कहीं और जगह चला जाता है, मन भटक जाता है,
आत्मा पता नहीं कहां कहां चली जाती। तो क्या ये भी नरक का गेट खुल रहा है? पढ़ने वाली कौन है? आत्मा। और आत्मा को पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा। और परमात्मा की पढ़ाई न पढ़ करके आत्मा माया के प्रभाव से प्रभावित होकर के इधर उधर भटकती रहे तो नरक की शूटिंग ही तो होगी या स्वर्ग की शूटिंग होगी। पढ़ाई पढ़ते भी सन्मुख है या विमुख है? विमुख है। अगर विमुख है तो जरूर रावण राज्य में शूटिंग हो रही है। वो ही बात तो आ गई, एक ही बात तो है। बाबा ने मुरली में बोला जो चतुर होते हैं वो ज्ञान में तीव्र होते हैं और जो सीधे सादे होते हैं वो गुणों में तीव्र होते हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? है? अच्छा, जो ज्ञान में तीव्र होते हैं वो भगवान बाप को पहचानते हैं, या जो गुणों में तीव्र होते हैं वो भगवान बाप को जल्दी पहचानते हैं? जो गुणों में तीव्र होते हैं वो भगवान बाप को जल्दी। ऐसे ढेर के ढेर सन्यासी हैं जिनमें बड़े बड़े गुण समाये हुए हैं लेकिन वो बाप को नहीं पहचानते। गुणों का राजा है सहन शक्ति, सहन शक्ति में विजयमाला की हेड सर्वोपरि। वो बाप को जानती है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो बाप को प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, गुणवान मुझे प्रिय है ऐसे नहीं कहा। गुणवान तो दुनिया में भी बहुत होते हैं। सत्युग में आने वाली जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच पहला पत्ता सबसे जास्ती गुणवान है, फिर ज्ञान में तीखा है नहीं। तो बाप बाप के रूप में पार्ट बजाने के लिए उसे चुनता है नहीं चुनता? इसलिए बाप से ज्यादा तो श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। बाप ही ज्ञान सागर है। बाबा बोलते हैं स्वदेशी बच्चों को सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। तो बाबा स्वदेशी बच्चों को सरेंडर होने की दरकार क्या है? सरेंडर तो विदेशी होना चाहिए।
किसका आवाहन करना है? विजयमाला का आवाहन किया जाता है। जिसका आवाहन किया जाता है उससे ऐसे कहा जा सकता है कि तुम आकर के हमें समर्पित हो जाओ, है? कहा जा सकता है? नहीं। अरे तुम्ही ने तो खुद आवाहन किया, फिर ऐसे क्यों कहते हो कि आकर के हमारे पांव में झुक जाओ? स्वदेशी का आवाहन किया जाता है या विदेशियों का आवाहन किया जाता है? है? किसका आवाहन किया जाता है? विदेशी तो रावण है, कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुसलमान, और उनके प्रभाव में आने वाले सारे भारतीय धर्म जो विधर्मियों के प्रभाव में आकर के विधर्मी बन गए, विदेशी बन गए। भारत का पल्लू छोड़ दिया, जैसे सन्यासी भी जाकर के विदेशों में नाक रगड़ रहे, बौद्ध भी चीन जापान में चले गए, तो बच्चों को सरेंडर नहीं किया जाता है। बच्चे तो सरेंडर होते ही नहीं है, बल्कि ये और कहा जाता है कि जिन्होंने मां बाप के ऊपर कर्मों पर विजय पाई है वो मां बाप के घर में आकर जन्म लेते हैं और मां बाप से अपनी चट्टी पेशाब साफ करवाते हैं। तो बड़े कौन हुए? बच्चे बड़े हुए या मां बाप बड़े हुए? बच्चे बड़े हुए। तो बच्चे सरेंडर होते हैं क्या? नहीं। बाकी इतना जरूर है कि जो बच्चे हैं वो विदेशी तो नहीं है, लेकिन क्या विदेशियों के पंजे में फंसे हुए नहीं है? है? फंसे हुए तो हैं। सीता विदेशी नहीं है, लेकिन विदेशी ना होते हुए भी विदेशियों के पंजे में फंसी हुई है, इसलिए विदेशी कह सकते हैं। विश्वपिता का भरण पोषण भरत ने किया, तो भरत कौन से धर्म की आत्मा है? विश्वपिता का भरण पोषण भरत ने किया आत्मा है, तो भरत कौन से धर्म की आत्मा है? भरत वही आत्मा है कि जो विश्वपिता बनने वाली आत्मा संसार में चक्कर लगाने निकलती है तो कोई भी उसको आसरा नहीं देता, रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध नहीं करता, और वो आत्मा स्थापना के आदिकाल में निमित्त बन जाती है। इसलिए आदिकाल में बोया हुआ बीज अंत तक फलदायी होता है, इसलिए बोला इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है जो राम के तीन भाइयों में बड़ी है वो विश्व पिता का भरण पोषण करने के निमित्त बनती है, इसलिए रामायण में लिखा है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। है बौद्धि क्रिश्चियन जो अभी
सरेंडर हैं, उन आत्माओं का बाबा के साथ क्या पार्ट होगा? और जो अभी नॉन सरेंडर हैं, लौकिक परिवार में ही रह रहे हैं, उनका ड्रामा में बाबा के साथ क्या पार्ट होगा बताओ? क्या पार्ट होगा है? जो राज परिवार तैयार होगा वो कितने का है? 16108 का राज परिवार है। वो राज परिवार एक के कंट्रोल में होगा या अनेकों के कंट्रोल में होगा? एक के कंट्रोल में होगा। तो उस एक के कंट्रोल में रहने का फाउंडेशन कहां पड़ता है? है? एक के कंट्रोल में रहने का फाउंडेशन कहां पड़ता है? शूटिंग कहां होती है? संगम पर होती है। तो एक के प्रति जो सरेंडर्ड हैं वो राज परिवार में आने वाले बनते हैं, और जो नॉन सरेंडर हैं वो राज परिवार में भल नहीं आते लेकिन बड़े बड़े साहूकार बन सकते हैं अगर ईश्वरीय सेवा में मददगार बने तो। इसलिए बाबा ने बोला है 16000 की माला में आने से तो अच्छा साहूकार बन जावे, क्योंकि साहूकारों के घरों में भी ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं, और बड़े बड़े साहूकार राज दरबार में राजा के नजदीक बैठते हैं, उनका भी बड़ा मान होता है, उन साहूकारों की तुलना किससे की? उन 16000 वालों से की जो सरेंडर होने के बावजूद भी सरेंडर होने का दिखावा करते हैं लेकिन तन को सरेंडर नहीं करते। जैसे मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े, ऐसे नहीं तन अर्पण कर दिया नाक छोड़ दी, तन अर्पण कर दिया हमने कान छोड़ दिया, नहीं, तन अर्पण करना माना ए टू जेड पूरा अर्पण करना, छुपा के नहीं रखना। ऐसे ही धन कक्का चोर सो लक्का चोर, सरेंडर हो गए और माँ बाप के पास अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बैंक में रख दी, बताई नहीं, छुपा के रख ली, तो तन से सरेंडर हो गए, मन से हो गए, धन से हो गए क्या? वो भी सरेंडर की लिस्ट में नहीं हुए। जब सर ही अंडर हो जाता है तो सब कुछ अंडर हो गया। तो ऐसे जो झूठे सरेंडर होते हैं कागज पर दूसरों को दिखावा करने के लिए, ऐसों को फिर दास दासी बनना पड़ता है। ऐसे दास दासी बनने से तो अच्छा प्रजा वर्ग में बड़े बड़े साहूकार बने, सरेंडर ना हो करके रहे वो ही अच्छा। ऐसे बाप तो बनाने के आए हैं, प्रजा बनाने आए हैं, प्रजा वर्ग में साहूकार बनाने आए हैं या राजा बनाने आए हैं? राजा बनाने आए हैं,
लेकिन कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं। बाबा ने अभी कहा कि किसी की जास्ती खातिरदारी नहीं करना है। ये कहां का बाबा ने कहा कि किसी की जास्ती खातिरदारी नहीं करना है? नहीं, बाबा ने तो जो ओपनिंग करने वाले आते हैं उनकी बात कही, सबके लिए नहीं बोला। इनको ओपनिंग करने वाले, हाँ, जो ओपनिंग करने वाले हैं उनकी जाति खातरी नहीं करना है। चाय वाय पिलाई और चलो। बाबा संगम में एक ही बार आते हैं, ऐसे बोला। तो मुरली में तो बाबा रोज रोज नमस्ते करते हैं, तो बाबा का एक बार आना कैसे कहें? बताओ भला। एक बार आते हैं कि बार बार आते हैं? क्यों रोज रोज नमस्ते क्यों करते हैं फिर? अरे जब मिला जाता है तो कोई ना कोई अभिवादन किया जाता है कि नहीं? अभिवादन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बाबा अभिवादन करते हैं, ऐसे थोड़े ही कि बच्चे हर समय कंधे पर चढ़े रहते हैं। बच्चे आज मिलते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कल मिलते हैं फिर चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो जब आते हैं तो नमस्ते करते हैं, जाते हैं तो नमस्ते करते हैं। क्यों, गलत क्या हुआ? बाकी एक बार आने का मतलब है कि मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के सामने एक ही बार आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि आ गए फिर परमधाम में जाके बैठ जाते होंगे, नहीं, आ गए तो आ ही गए, बच्चों को साथ लेकर के ही जावेंगे, अकेले नहीं चले जावेंगे। बाबा जिसके अंदर सोल प्रवेश हो जाती है तो उनको इतना क्रोध क्यों आता है? बताओ, कौन बताएगा? है जिनमें सोल आती है वो सिर्फ क्रोधी ही होते हैं कि बहुत सी आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो क्रोध तो नहीं करती हैं लेकिन खाने पीने की लोभ ही बहुत होती है। कोई लोभी भी नहीं होते हैं, क्रोधी भी नहीं होते हैं, काम ही बहुत होते हैं। मौका लगेगा और कामियों की तरह रावण की तरह आक्रामक बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी सोल प्रवेश करती है वो क्रोधी ही होती है। हाँ, ये कहेंगे कि चार मुख्य धर्मों में ऐसा धर्म कौन सा है जिसकी संसार में अंतिम जन्म में सबसे जास्ती आदमशुमारी हो जाती है? है इस्लाम की। चार मुख्य धर्म है, उनमें कलयुग के अंत में सारी दुनिया में सबसे जास्ती आदमशुमारी कौन से धर्म की होती है?
धर्म पिता है जबकि जिसके सबसे जास्ती फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियन, और क्रिश्चियंस में कौन सा विकार जास्ती होता है? क्रोध। तो दुनिया के जो क्रिश्चियंस हैं जिनकी संख्या सबसे जास्ती है और वो जास्ती संख्या में अकाले मौत भी मर रहे और जब आखिरी विनाश होगा तो भी मरेंगे, अभी भी मर रहे हैं, तो उनकी संख्या जास्ती है तो प्रवेश करने वालों में भी संख्या जास्ती ऐसों की होती है जिनको क्रोध जास्ती आता है। जिस आत्मा को बाप की पहचान हो जाए तो वो आत्मा कभी बोर हो सकती है क्या? है? अच्छा, कितनी आत्माएं होंगी जो बाप को पूरा पहचान लेती है? अरे कोई लिमिट है या नहीं? आठ है। तो आठ परमात्मा के कार्य में सबसे जास्ती सहयोगी होंगी या नंबरवार की लिस्ट में होंगी? है? अरे दुनिया वालों के हिसाब से, ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से जास्ती सहयोगी बनेंगी या कम सहयोगी बनेंगी? जास्ती सहयोगी बनेंगी। और जो बहुत सहयोगी बनते हैं उनको टाइम मिलेगा बोर होने का। जो टाइम बर्बाद करने वाले होते हैं, व्यर्थ गंवाने वाले होते हैं, वो बोर होते हैं। जिनको टाइम की वैल्यू का पता है वो अपने टाइम को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे क्षण क्षण, या बोर होने के लिए बैठ जाएंगे। कहेंगे कि उन आत्माओं को परमात्मा बाप की पूरी पहचान है ही नहीं जो बोर होते हैं। बाबा, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले का बीता हुआ कल भूल जाता है। जो बीता हुआ कल है वो लंबे टाइम तक भूल जाता है। फिर कभी अचानक ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे वो बीता हुआ कल इतना याद आता है कि याद करते करते बाप को भी भुला देते। ऐसा क्यों होता है? पूछने वाला पूर्व जन्म की बात को भूल गया। अरे पूर्व जन्मों में, 63 जन्मों में जैसा पार्ट बजाया होगा जिन आत्माओं के साथ, वैसी स्मृति पटल पर शूटिंग होगी या दूसरी होगी? वैसी होगी। बाबा आत्माओं को संदेश देने या सेवा करने के कहते हैं तो संदेश देने के लिए पोस्टर व बैनर चौराहे पर लगाकर संदेश देने की सेवा कर सकते हैं क्या? अरे पूछने वाला जानता भी है कि बाबा देते हैं, काहे के लिए देते हैं?
बैनर या पोस्टर है कि सेवा लगाने के लिए जो देते हैं, इसमें पूछने की बात ही खत्म। बाबा एक भाई जो ज्ञान में 2 साल से चल रहा है, बट्टी को 2 साल हो गए, किंतु दबाव में आकर शादी कर ली। ज्ञान सुनने के लिए गीता पाठशाला में आ सकता है क्या? आ सकता है। जो गलती करते हैं उनको सुधरने का मौका नहीं देना है? देना है। लेकिन जिसके साथ शादी कर ली है, उसके साथ आधा साधा जीवन का बिताने का अंजाम कर लिया कि नहीं, उसे अर्धांगिनी नहीं बना लिया ना, तो उसके साथ आ सकता है, अकेला नहीं आ सकता। राम दरबार में जो चित्र दिखाया गया है राम के दरबार का, उसमें 3 आत्माएं 3 कर्म करते हुए दिखाई है। एक है पंखा झलने वाली, एक है छत्र छाया करने वाली, और एक को पांव धोते हुए दिखाया है। इसमें कौन सा काम ज्यादा अच्छा है? और कौन सा काम निष्कृष्ट है, नीचा है? उसी हिसाब से नंबर बनेंगे, उसी हिसाब से धर्मों में जाना पड़ेगा। हाँ, वो कौन है? है सबसे अच्छा काम है सुरक्षा करना। राजा की सुरक्षा कौन करता है? सेनापति। तो वो सुरक्षा करने वाला हो गया। और दूसरा नंबर है पंखा हिलाने वाला, ठंडी ठंडी हवा देने वाला, वो कौन है? बौद्धि धर्म का जो बीज है वो है ठंडी हवा देने वाला, और तीसरा पांव धोने वाला, वो कौन है? जो बुद्ध रूपी पांव की देह अभिमानी की मिट्टी साफ करता है। अरे कौन रह गया तीसरा? है शत्रुघ्न। हाँ जी, कौन से हैं बड़ा बोले नाम के बाबा? हाँ? अरे किसी ने देखे हैं? हिमालय पहाड़ पर रहने वाले बड़ा बोले नाम के बाबा किसी ने देखे हैं क्या? है? देखे किसी ने नहीं।
बस सुनी सुनाई बातों के आधार पर कैसे बताया जाए। हो गया, अब तो चिट्ठियां तो अंबार लग गया। बाबा हमारे घर पर गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पापा मम्मी से चढ़ते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। जो भी घर पर आते हैं ज्ञान सुनने के लिए तो उन्हें वो बगाए देते हैं। इससे में क्या गीता पाठशाला खुल सकती है? पहले पापा को ज्ञान में चलाओ। है, है? तो दोनों ज्ञान में चले तो लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा। ओम शांति।